विल कम अगेन टू अवर टॉक्स जो हमने इससे पहले भी प्रिंटअप के बारे में देखा था, तो हम थोड़ा सा उसमें कुछ और चीजें देखेंगे. सपोज वी हैव इंट ए बी सी, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इंट ए लिख सकता हूँ नीचे, फिर इंट बी लिख सकता हूँ. लेकिन अगर मुझे एक ही टाइप के करने हो डिक्लेयर, तो मैं ऐसे ही एक कॉमा करके कर सकता हूँ जितने भी मुझे करना. सपोज मुझे इंट ए बी सी करना, ठीक है. तो एक यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे. हम पहले इन दो, हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि ये इंटर टू वैल्यूज टू नंबर्स, दो नंबर आप दे दीजिए. तो वो दो नंबर हम ओवरसी स्कैन एफ से लेंगे. तो दो नंबर कैसे लेंगे, ये क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो हम पर्सन डी यूज करेंगे. पर्सन डी ठीक है, दो बार पर्सन डी. अब यहाँ पे गैप थोड़ी सी स्पेस दे भी सकते हो, नेम भी दे सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम देते हैं ताकि रीडेबिलिटी हमारे प्रोग्राम की अच्छी हो जाए, हमें ये समझ आए. देन एंड ऑफ ए हम इस ए और बी में सिक्वेंशियली ये डालेंगे इनके वैल्यूज, ठीक है. लास्ट वीडियो में भी आपको, लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा, मैंने ये सिक्वेंस का बोला था कि सिक्वेंस मैटर करती है. तो जो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा उसी में पहला वैल्यू चला जाएगा. अगर मैं पहले बी लिखता हूँ तो पहला वैल्यू बी में ही चला जाएगा, ठीक है. तो जो ही हमने ये दो वैल्यू सपोज ले लिए, इनका हम सम निकालेंगे, ठीक है. हम सी में डालेंगे ए प्लस बी, ठीक है, सी इज इक्वल ए प्लस बी. अब मैं चाहता हूँ इनका जो है मीनिंग फुल एक आउटपुट मैसेज आए. मैं चाहता हूँ बैक स्लैश एन पे, मैं चाहता हूँ सम ऑफ, मैं चाहता हूँ ऐसे मैसेज आए. सपोज अगर मैं ए और बी का वैल्यू दूं, मैं मुझे कुछ ऐसे मैसेज आए, सम ऑफ ए, ए लेकिन ए का वैल्यू होना चाहिए. सपोज ए में मैंने 10 वैल्यू दिया, सम ऑफ 10, फिर आ जाए प्लस सपोज बी, बी में मैंने 20 दिया इज इक्वल टू 30. मुझे कुछ ऐसे इस तरह की मैसेज आनी चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सम ऑफ 10, सपोज ए, ए के बदले पर्सन डी, ठीक है, ए प्लस बी, बी के बदले पर्सन डी एंड फिर इज इक्वल के बाद पर्सन डी, यानी वैल्यूज. मुझे वैल्यू आना चाहिए यहाँ ए का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू जो मैं एंटर करूंगा, और यहाँ फिर सम का वैल्यू, ठीक है, यानी सी का वैल्यू. तो पहले मुझे ए का वैल्यू, पहले मैं ए लिखूंगा. जो ही मैं पहले ए लिखूंगा, ठीक है, मैं पहले ए क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैंने बोला ये सिक्वेंस में काम करता है. तो ए में यहाँ पे जो है सम, पहले ये मैसेज आएगी सम ऑफ ए, पर्सन डी के बदले ए का वैल्यू चला जाएगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए फिर बी फिर कॉमा सी. तो इससे क्या होगा, इससे एक्चुअल में जो हमारा काम है, हम चाहते हैं सिक्वेंस में आ जाए, ठीक है. तो उसके बाद ये जो है बी, यहाँ पे बी का वैल्यू चला जाएगा, और एट द एंड यहाँ पे सी का वैल्यू चला जाएगा. तो अगर मैं सपोज बी में, ए में वैल्यू देता हूँ सपोज 10, तो ये आएगा सम ऑफ 10, फिर बी में मैं वैल्यू देता हूँ सपोज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 5, फिर सी में अगर मैं वैल्यू निकलेगा मुझे सम ऑफ, क्योंकि सी में कर रहा हूँ सम ऑफ ए प्लस बी, तो सी में मुझे निकलेगा यहाँ पे 15. तो ये एक यूजफुल सी इंफॉर्मेशन हमें आ गई. तो इसको यहाँ पे थोड़ी सी सिक्वेंस में ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे लिखे हैं. मैं चाहता हूँ कि पहले मैं दिमाग में सुनूंगा, पेपर पे लिखूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है. और ये ऐसे हम, ये जो मैं डबल कोट का, ऐसे हम कमेंट्स यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, ताकि मैं, तो मैं चाहता हूँ आउटपुट ऐसा हो, आउटपुट कुछ इस तरह का हो, सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है. लेकिन सम ऑफ ए, ए के बदले मैं चाहता हूँ इसका वैल्यू आ जाए, फिर ये प्लस की साइन आ जाए, फिर बी, बी के बदले इसका वैल्यू, और सी के बदले सी का वैल्यू आ जाए. तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ पे, यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ. तो यहाँ पे ध्यान देना है सम, मैंने सम ऑफ, ये तो मैसेज ही है, मैंने लिखा सम ऑफ, फिर ए, क्योंकि मैं ए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ए का वैल्यू आ जाए यहाँ पे, तो मैंने लिखा पर्सन बी, फिर प्लस, प्लस की साइन ऐसे ही दे दी, फिर बी, क्योंकि मैं चाहता हूँ बी का वैल्यू आ जाए, तो मैंने बी के बदले भी लिखा पर्सन डी, फिर इज इक्वल की साइन,
फिर सी का मुझे वैल्यू चाहिए फिर से, तो मैं फिर से लिखता हूँ परसेंट डी, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर्स है तो मैं परसेंट डी लिख रहा हूँ तीनों जगह। फिर कॉमा, फिर ये कोर्स क्लोज करके कॉमा करके फिर मैं क्या लिखता हूँ पहले, क्योंकि मैं पहले इस परसेंट डी में मैं चाहता हूँ ए का वैल्यू, तो मैं लिखूंगा ए। फिर कॉमा करके इस परसेंट डी पे मैं चाहता हूँ बी का वैल्यू, तो मैं लिखूंगा बी। और इस परसेंट डी पे मैं चाहता हूँ सी का वैल्यू, तो मैं लिखूंगा सी। ठीक है, जो ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो मुझे पहले बोल रहा है इंटर टू नंबर्स एज यूजुअल, जो मैंने इसको बोला था कि दो नंबर्स अब मुझसे ले लो। जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया कि हम ये दो नंबर्स या एक से ज्यादा नंबर स्पेस देके या इंटर करके एक के बाद इंटर करके ले सकते हैं, हम दो या दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। सपोज मैं दूंगा इसको पहला वैल्यू 20, फिर इंटर करके दूसरा वैल्यू 30। ठीक है, फिर मैं फिर से इंटर करता हूँ और मुझे ये आउटपुट देता है, ये मुझे बोलता है सम ऑफ। अब देखो, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसको ले जाऊं, सम ऑफ तो ऐसे ही आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ये लिखा था, तो सम ऑफ की जगह सम ऑफ ही आ गया। फिर परसेंट डी की जगह ए का वैल्यू, क्योंकि ए का वैल्यू मैंने 20 दिया है, तो 20 आ गया। ठीक है, ये 20 यहाँ पे। फिर प्लस परसेंट डी फिर से, क्योंकि मैं दूसरी जगह पे बी यूज कर रहा हूँ, तो बी का वैल्यू, क्योंकि बी का वैल्यू मैंने 30 दिया है, तो इसने यहाँ पे 30 दिखाया। फिर इज इक्वल टू दिखा रहा हूँ, और लास्ट में परसेंट डी और सी का वैल्यू, तो लास्ट में इसने सी का वैल्यू, यानी क्योंकि सी, इससे पहले मैं सी को ए प्लस बी निकाल रहा हूँ, उस प्रिंट अप से पहले ही मैं वो काम कर रहा हूँ, तो सी में पहले से ही ए और बी का सम चला गया है, तो सी में जो है ए और बी का सम जो है हमारे पास अभी 50 वो आ गया है। ठीक है, तो ये तो है एक बेसिक्स की कैसे हम चीजों को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, कैसे प्रिंट ऐप अच्छे से यूज करते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ठीक है, मैं ये अलग अलग प्रिंट ऐप करके भी लिख सकता हूँ। सपोज प्रिंट ऐप सम इज इक्वल टू परसेंट डी फिर ए, फिर प्लस सम इज इक्वल फिर परसेंट डी बी, फिर इज इक्वल टू फिर परसेंट डी सी, अलग अलग तीन भी प्रिंट ऐप्स में लिख सकता था, लेकिन वो ज्यादा सा कम्बरसम होगा कि ज्यादा मैं प्रिंट ऐप्स क्यों यूज करूं, जबकि प्रिंट ऐप मुझे एक ऐसी फंक्शन है कि इसमें मैं ये सारी चीजें एक ही फंक्शन में कर सकता हूं। बस यहां पे ध्यान रखना है कि जहां पर आप किसी का वैल्यू चाहते हो वहां पर परसेंट डी लिखो, या अगर वो फ्लोट है तो परसेंट एफ लिखो, अगर वो कैरेक्टर है तो परसेंट सी लिखना है। ठीक है, तो परसेंट मैंने यहाँ पर परसेंट डी लिखा। ठीक है, फिर पहली जगह पे मुझे क्या चाहिए, मैं कॉमा के बाद इसके जो आर्गुमेंट्स है यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट पे उसका, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, तो आर्गुमेंट में मैं पहला आर्गुमेंट दूंगा, मैं पहले चाहता हूँ ए आ जाए तो मैंने ए दे दिया, फिर इसके बदले मैं चाहता हूँ बी आ जाए तो मैंने बी दे दिया, फिर इसके बदले मैं चाहता हूँ सी आ जाए तो मैंने सी दे दिया। यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है कि सी का वैल्यू मैंने इस प्रिंट ऐप से पहले ही यहाँ पे निकाल दिया है, यानी सी में मैंने ए और बी को डाल दिया, ए और बी का सम जो है वो मैंने सी में इससे पहले डाल दिया है। अगर मैं ये इसके बाद डालता हूँ सपोज यहाँ पे, तो मैं पहले सी को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और उसके बाद सी में ए और बी का वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ डिफरेंट ही वैल्यू, एक गार्बेज वैल्यू दिखाएगा जो हम चेक करेंगे। इसके दो वैल्यूज देते हैं, सपोज 23 फिर स्पेस करके या इंटर करके जैसे भी हम चाहें, फिर 20। ठीक है, तो मुझे ये दे रहा है 23 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि ये सही आंसर नहीं है, ये इसलिए सही आंसर नहीं है क्योंकि मैं पहले सी का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद सी में वैल्यू ए और बी का दे रहा हूँ, तो ये एक गलत तरीका है। असल में हमें क्या करना है, हमें पहले ही सी में वैल्यू, जैसे यहाँ पर हम पहले ए और बी का वैल्यू दे रहे हैं यूजर से, इस तरह मुझे सी में ए और बी का सम जो है वो पहले ही करके रखना है, तब जाके इसे यूज करना। ये वैसी ही बात है, अगर सी में, अगर ए और बी दो कप्स है जिनमें पानी है, इनमें पहले हमने पानी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, यूजर से ले लिया है, फिर ये दोनों का जो पानी है हमें एक तीसरे गिलास में डालना है, तो जब गिलास में डाल, तो पहले एक गिलास में डालेंगे फिर दिखाएंगे कि गिलास में कितना पानी है। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक इंट्रो, या इसमें एक एनहांसमेंट कि कैसे हम प्रिंट ऐप को थोड़ा सा और निखार सकते हैं। हम बहुत सी चीजें इसमें और भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंट बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी वगैरह, बाकी वो चीजें भी यूज कर सकते हैं ताकि चीजें थोड़ी और बेटर हो जाए। यहाँ हम एक और चीज भी यहाँ कर सकते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ मैं ये सी को यूज ही ना करूँ, मैं दो ही वेरिएबल्स यूज करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ए
ऐसे ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं इन दो, इसके बदले तो ए आ जाएगा, इसके बदले तो बी आ जाएगा, ठीक है, और इसके बदले ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है जो हमने एक्सप्रेशन देखी इससे पहले, तो एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन पहले इवॉल्वेट होगी, यानी ए और बी का वैल्यू जो है सम हो जाएगा इसमें, फिर जाके वो यहाँ पे आ जाएगा। हम देखेंगे इसमें कोई इशू नहीं आएगा, जैसे हम इससे पहले करते थे, सपोज वी गिव 30 फॉर ए एंड वी गिव 40 फॉर बी, देन वी गेट 30 प्लस 40 इज इक्वल्ड 70। तो बिल्कुल इसने वैसे ही काम किया जैसे इससे पहले यूजिंग सी कर रहा था, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों यूज करें, पहले पहले आप एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करोगे जब आप द बिगिनिंग द प्रोग्राम में होंगे, तो आप एक्स्ट्रा वैल्यू यूज करोगे ताकि चीजें आपको ज्यादा क्लियरली समझ आए कि असल में हम क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं सी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस बी के बजाय सी लिखेंगे। इससे क्या होगा, पहले पहले थोड़ी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। व्हेन यू विल गेट यूज टू द प्रोग्रामिंग, जब आप इसमें ज्यादा और एडवांसमेंट में चले जाओगे, फिर आप कम वेरिएबल्स यूज करोगे, जितने आप हम कम वेरिएबल यूज करेंगे उतने हमारी मेमोरी जो है कम यूज होगी। हालांकि पहले इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए हमारी हमें मेमोरी का बिल्कुल मेमोरी के बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना होता है, लेकिन बाद में जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तब हम मेमोरी के लिए मेमोरी का ध्यान रखते हैं, कम मेमोरी यूज करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये कोई भी इशू नहीं है। इवन अगर हमारा प्रोग्राम थाउजेंड्स ऑफ लाइन भी कोड चला भी चला जाए तो उतनी मेमोरी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये इशू नहीं है कि हम छोटे प्रोग्राम लिखें या वेरिएबल्स कम यूज, हम अभी वेरिएबल्स ज्यादा ही यूज करेंगे ताकि हमें चीजें ज्यादा बेटर समझ आ जाए।